हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ेबास किचन। आज मैंने बनाया है चिकन पिज़्ज़ा। मैं अपनी मम्मी के यहाँ आई हूँ, तो आज जो है मम्मी की फरमाइश थी कि मैं पिज़्ज़ा बनाऊँ, तो चलते हैं फिर बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है चिकन और बताऊँगी पिज़्ज़ा ब्रेड मैंने रेडीमेड लाया है। तो चिकन को अभी हमें जो है पूरा मसाला लगाना है, मैरिनेट करना है। तो इसके लिए जो पहले बता देती हूँ मैंने कितने छोटे छोटे पीस किया है, देखिएगा। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 चम्मच डाला है मैंने, आप देख सकते हैं स्पून कितना छोटा यूज़ किया है। फिर इसमें ऐड कर लूँगी मैं काली मिरी पाउडर, ये भी छोटा छोटा चम्मच ही यूज़ किया है, मैं स्पून के थ्रू आपको बताते जा रही हूँ। और गरम मसाला, ये जो भी मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ सब होममेड है। और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा पाउडर भी छोटा स्पून डाला है मैंने। और इसमें मैंने एक धनिया पाउडर डाला है 1 चम्मच, और मिर्ची पाउडर डाला है मैंने 1.5 चम्मच तक का, थोड़ी सी हल्दी और नमक। अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं नींबू, नींबू मैंने एक पूरा लिया है, छोटा नींबू लिया था। और अब जो है हमें इसमें ऐड कर लेना है थोड़ा सा फूड कलर, रेड कलर होता है वो, थोड़ा सा पिंच, एकदम थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ, बता दे रही हूँ कितना सा यूज़ कर रही हूँ। देखिए एकदम थोड़ा सा डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा। अब इसको डालने के बाद मैं इसका जो है अच्छे से मसाला मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा मैं पानी ऊपर से ऐड करी मैंने हल्का सा, क्योंकि सूखे मसाले होते हैं ना तो लगते नहीं हैं। देखिए अब मसाला कितना अच्छे से लगा है, अब इसे मैं रख दूँगी। अब चलते हैं फ्राई पैन की ओर। फ्राई पैन पर मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है, ज़्यादा तेल नहीं यूज़ किया है मैंने, 2 चम्मच छोटे। अब मैं इसमें जो मैंने मैरिनेट करके रख दिया था, मैंने 1 घंटे तक का मैरिनेट करने रखा था, अब इसमें मैं ये ऐड कर दूँगी और इसको जो है स्लो आंच पे पकाते रहूँगी। और थोड़ा सा मैं इसमें बटर भी ऐड कर दूँगी, तो ये अच्छा, एकदम अच्छा अच्छा ऑयली ऑयली बनेगा, देखिएगा आप। अब मैं इसे ढक्कन ढक के स्लो पे पकने छोड़ दूँगी, ये हमारे चिकन को पकना है। अब देखिएगा पानी अभी इसमें आ गया है, देखिए चिकन का पानी निकला है। अब इसे जो है हमें अच्छे से सुखा लेना है। देखिए फास्ट पे मैंने अभी ढक्कन खोल के इसे सुखाया है पानी को, मेरा चिकन भी पक गया है। देखिए देखिए मैं आपको बता रही हूँ पूरा पानी सूख गया है, और बहुत अच्छे से जो है चिकन सूख भी गया है पानी, और चिकन भी पक चुका है मेरा, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो अभी मैं पिज़्ज़ा बनाने की ओर चलती हूँ। मैंने चिकन को प्लेट पे निकाल लिया है, अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। अब मैंने दोबारा से फ्राई पैन रख दिया है गैस पे। अब इसमें जो है थोड़ा सा बटर डाल के मैं थोड़े से वेजिटेबल्स फ्राई भी कर लूँगी, जो वेजिटेबल्स मैं यूज़ कर रही हूँ। आपको जो वेजिटेबल्स यूज़ करना है आप कर सकते हैं। मैंने यूज़ किया है शिमला मिर्ची, कांदा और टमाटर। तो अभी मैं पहले कांदे को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे पूरा कांदा वेजिटेबल्स निकाल निकाल के फेंक देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं इसको बटर से सॉफ्ट कर लूँगी। ये मेरे तरीके का पिज़्ज़ा है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, वेज पिज़्ज़ा भी ऐसे ही बनाती हूँ, बारीक बारीक चॉप करके। अब मैं इसमें थोड़ा सा और बटर डाल के इसमें शिमला मिर्ची भी, कैप्सिकम, इसको भी फ्राई कर दूँगी। मैंने सब ऐसे देखिए लंबा लंबा कट किया है, अब इसे भी फ्राई कर लूँगी। कुछ भी कलर चेंज नहीं, हल्का सा एक सॉफ्टनेस आने के लिए ही मैं फ्राई कर रही हूँ, नहीं तो ये भाजी बन जाएगी। अभी इसे भी मुझे निकाल लेना है, देखिए सॉफ्ट हो गया ये ऑलमोस्ट। अब जो है मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया है और चीज़ लिया है, या अमूल का चीज़ लिया है मैंने, मेल्टेड नहीं है, इसे क्रश करके लिया है। अब इतने वेजिटेबल्स लिया है, 1 टमाटर लिया है, 2 कांदा है और 2 शिमला मिर्ची है ये, और चिकन जो मैंने बना के रखा है। अब ले लेती हूँ फ्राई पैन दोबारा से, उसमें थोड़ा बटर डाल दूँगी और जो मेरा पिज़्ज़ा का जो ब्रेड है उसे फ्राई कर दूँगी दोनों तरफ से, थोड़ा 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 ही फ्राई करूँगी, क्योंकि दोबारा हमें जब भी बेक करने हम रखेंगे, पिज़्ज़ा बनाने रखेंगे, दोबारा से वो फिर से फ्राई होगा। तो एक तरफ थोड़ा सा फ्राई करके अभी इसमें सारा मैं पिज़्ज़ा रेडी कर दूँगी। देखिए एक प्लेट में मैंने ब्रेड को, पिज़्ज़ा ब्रेड ले लिया है, अभी इसमें मैं लगा दूँगी पिज़्ज़ा सॉस। आप सोया सॉस, सॉरी आप टमाटो केचप ये सब भी लगा सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स डाला है मैंने,
बच्चों को खाना है इसलिए थोड़ा थोड़ा कम यूज़ कर रही हूँ, और इसमें मैंने मिक्स सब्ज़ यूज़ किया है, थोड़ा थोड़ा मिक्स सब्ज़ यूज़ किया है। देखिए एकदम थोड़ा थोड़ा ही डाला है मैंने, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा आपको जितना चाहिए। अब इसमें सारे वेजिटेबल्स रख दूँगी मैं, ज़्यादा डिज़ाइन नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल वेजिटेबल्स एक 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 करके नहीं रख रही हूँ मैं, थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा वेजिटेबल्स ही रख रही हूँ, बहुत खाने अच्छे लगते हैं वेजिटेबल्स पिज़्ज़ा में। अभी मैंने शिमला मिर्ची रख दिया है, अब इसके ऊपर मैं टमाटो डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा, और फिर मैं ऑनियन डाल दूँगी। देखिए ऐसे ही डाल दूँगी ऑनियन। अब ये सब डालने के बाद मुझे इसमें रखना है चिकन, मैं एक एक करके हाथों की मदद से ही चिकन रखूँगी, हमें एकदम डिज़ाइन करके रखना है थोड़ा थोड़ा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है चिकन। अब इसमें थोड़ा सा फिर से मैं चिल्ली फ्लेक्स थोड़ा सा और मिक्स अप थोड़ा सा यूज़ कर लूँगी इसमें, ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऐड कर लूँगी मैं, बहुत थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। अभी जो है इसमें मैं डाल दूँगी पिज़्ज़ा की जान चीज़। मेरा ये मोज़रेला चीज़ नहीं है तो ज़्यादा ये पिघलेगा नहीं, मैंने अमूल का चीज़ मेरे पास था तो मैंने वही यूज़ किया है। देखिए अब मेरा पिज़्ज़ा हो गया रेडी माशाल्लाह। अब मैं इसे कर देती हूँ फ्राई पैन पे बेक, हमने ना ओवन का यूज़ किया है ना कुछ, मैं फ्राई पैन पे इसे बेक कर दूँगी। अब मैं इसे ढक्कन लगा के स्लो आंच पे 5 मिनट के लिए पकने छोड़ दूँगी, 3 से 4 मिनट ही बस हो जाता है। देखिए माशाल्लाह मेरा पिज़्ज़ा हो गया। मैंने आपको बताया था कि ब्रेड चीज़ जो है मेरा मेल्ट नहीं होगा। देखिए माशाल्लाह मेरा पिज़्ज़ा कितने अच्छे से रेडी हुआ है, अब इसे कट कर बता दिया है मैंने आपको, अब इसे खा के भी बताऊंगी। और ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए आप मुझे अब मेरे सारे रेसिपीज़ ज़रूर देखिएगा। देखिए अब मैं इसमें सॉस में डीप करके आपको खा के बता रही हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट बना है, बहुत अच्छा लगा है। देखिए तो ऐसी ही मेरी रेसिपीज़ को आप सब देखिएगा, बनाइएगा भी ज़रूर, और मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।